संयुक्त अरब अमीरात आने वाली उड़ानों को आने वाले कुछ दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उत्तरी रनवे 9 मई से 22 जून तक रेनोवेशन और मरम्मत कार्यों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 45 दिनों तक बंद रहेगा। अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस वजह से कई उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। खलीज टाइम्स की खबर के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरम्मत कार्य की वजह से हर हफ्ते 1000 से अधिक उड़ानों को एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल दुबई वर्ल्ड सेंट्रल और शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा जा सकता है। खलीज टाइम्स ने उन एयरलाइंस की एक सूची जारी की है जिन्होंने दुबई वर्ल्ड सेंट्रल की ओर जाने और अपने शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की है। इसमें फ्लाई दुबई, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गल्फ एयर, इंडिगो एयरलाइंस और स्पाइसजेट जैसे एयरलाइंस शामिल हैं। 45 दिनों तक दुबई एयरपोर्ट के रनवे को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा जिसका असर हजारों उड़ानों पर पड़ेगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। अनुमान है कि हर साल यहां 3.5 लाख उड़ानों का आवागमन होता है। बेहद व्यस्त होने के चलते भारी भरकम विमान लगातार रनवे से उड़ान भरते हैं और नीचे उतरते हैं। इससे रनवे को काफी नुकसान होता है। फ्लाई दुबई ने कहा कि कंपनी अगले 45 दिनों तक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल से कुछ चयनित जगहों के लिए उड़ानों का संचालन करेगी। अन्य सभी फ्लाई दुबई डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल से दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए उड़ानें संचालित होंगी। अगले कुछ दिनों तक भारत से यूएई के बीच सफर करने वाले यात्रियों को हर अपडेट के लिए एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।